29 मई को है वन प्लस 8 सीरीज की पहली सेल। और अगर आप ये वीडियो उससे पहले देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही टाइम पे देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ रीजन बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको वन प्लस 8 प्रो नहीं, वन प्लस 8 क्यों नहीं खरीदना चाहिए अभी, और क्यों थोड़ी देर वेट करना चाहिए अगर आप वेट कर सकते हैं, और फिर 8T सीरीज लेनी चाहिए बेसिकली। तो क्या रीज़न है, ऐसा क्या गुनाह किया वन प्लस 8 ने जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक थोड़ा देखना पड़ेगा वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए थोड़ा वन प्लस 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो वन प्लस ने रिसेंटली लॉन्च किया वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो, और काफ़ी टाइम वेट करें, काफ़ी टाइम से US में तो सेल शुरू हो गई बट हम काफ़ी टाइम से वेट करें सेल का, और अभी जाकर 29th को फाइनली वो सेल पे जाएंगे। बट 8 प्रो तो अच्छा है, 8 के लिए काफ़ी लोग जो है कंप्लेंट भी कर रहे थे कि वो हाई प्राइस पे है, ये है वो है, बट कहीं ना कहीं वन प्लस का नाम सुन के उन्होंने थोड़ा एक तरह से डिस्काउंट दे दिया उनको, और स्पेशली अगर US प्राइसिंग से सस्ता तो और भी लोग खुश थे। बट मैं कहूँगा कि वन प्लस 8 जो है ना अभी कंपनी का मेन फोकस नहीं है। देखो, ये एक मुझे थोड़ा सा एक पैटर्न दिखने शुरू हो गया है वन प्लस का, जो कि मैं कहीं कंपनी ऑफिशियल से यहाँ पे कन्फर्म करके नहीं लाया हूँ, ना ही मुझे कोई लीक मिला है जैसे कि आजकल ट्विटर पर हर जगह फैले हुए हैं, बट कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एक पैटर्न सा दिखने शुरू हो गया। और ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं प्रूफ लेके नहीं आया हूँ, बट एक आपको एक लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। रीजन जो मैं वन प्लस 8 के लिए आपको रुकने के लिए कह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो वन प्लस 2 सीरीज निकालता है साल में, जो कि उन्होंने वन प्लस 3 सीरीज से शुरू की थी, 3, 3T, देन उन्होंने 5 और 5T निकाला, और देन 6 और 6T निकाला, फिर 7 और 7T निकाला। बट जो 6T तक सीरीज थी वो ऐसा था कि जो माइनर अपग्रेड होते थे वो वन प्लस रखता था फोन में और आपको आगे बेचता था। अगर वन प्लस 6 में 845 था और बड़ी नॉच थी तो आपको वहां पे छोटी नॉच देखने को मिल जाती थी वन प्लस 6T में, और ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करके वन प्लस आपको फोन बेचता था और बोलता था कि हम बेस्ट के लिए जा रहे हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन देना है आपको, और जैसे कोई नई इंप्रूवमेंट आ रही है, कुछ भी नया आ रहा है तो हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं, और काफी हद तक सही भी था, इवन 3, 3T में जैसे देखा जाए या 5, 5T में देखा जाए। बट वन प्लस 7 सीरीज में उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी मुझे ऐसा लगा उन्होंने यूज की है, जो भी आपको यही बताने वाला हूं। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आप नोटिस करेंगे वन प्लस 7T कुछ बहुत अच्छा फोन नहीं था, सस्ता था फॉर श्योर बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और जो मार्केटिंग भी हो रही थी वो सारी हो रही थी वन प्लस 7 प्रो की। वन प्लस 7 जो था वो आपको डेप्थ कैमरा के साथ सिंगल कैमरा आ रहा था, उसमें रिफ्रेश रेट नहीं थी, जो स्क्रीन थी वो भी एवरेज, चलो एवरेज नहीं अच्छी थी बट ठीक थी, और मतलब काफ़ी एक ऐसा थोड़ा दबा दबा सा फ़ोन लगा, और पुश किया जा रहा था वन प्लस 7 प्रो को कि ये हमारा नया ऑलमोस्ट फ्लैगशिप है या फ्लैगशिप किलर है या जो भी है। और यही चीज़ हमने देखी US मार्केट में भी, ये तो इंडिया में था, US मार्केट में भी हमने यही चीज़ देखी, जहां वन प्लस 7 प्रो ही वहां गया, वन प्लस 7 तो गया ही नहीं मार्केट में। तो ये एक तरह से वन प्लस की टेक्निक थी कि वो वन प्लस 7 प्रो की सेल्स बढ़ा रही थी। और अब क्या था, अब 6 महीने बाद हमें देखने को मिलता वन प्लस 7T, और 7T प्रो की मार्केटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब दोनों फोन्स लॉन्च हुए बट मार्केटिंग के मामले में वन प्लस 7T आगे था, और मेजर जो अपग्रेड्स थे वो वन प्लस 7T में थे। मतलब वन प्लस 7 में जहां आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा था, मेन कैमरा और एक डेप्थ देख रहा था, वहीं पे आपको वन प्लस 7T में एक वाइड एंगल भी मिला टेलीफोटो, और मेन एंगल जो मतलब मेन वाइड एंगल कैमरा भी मिला, और साथ में एक मैक्रो कैमरा भी मिला, जो मतलब उन्होंने वाइड एंगल को यूज करके मैक्रो कैमरा बना दिया। तो मतलब आप लोगों को एक पूरा अपग्रेड पैकेज दिया 37,000 में, और 70 प्रो माइनर अपग्रेड जो 855 प्लस कर दिया, और बस और थोड़ा हाँ मैक्रो लेंस ऐड कर दिया जैसे 7T में था, बट कुछ ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं किया और उसको पुश भी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कंपनी एक साल में 2 फोन्स निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं वो पहले 7 प्रो को पुश कर रही है जो उनकी फ्लैगशिप लाइन है, मतलब अब 8 प्रो ऑब्वियसली, और 6 मंथ बाद जो 6 मंथ बाद जो रिफ्रेश सीरीज आती है उसमें वो 7T को जो है मतलब या टी सीरीज के नॉन प्रो वर्जन को, जैसे कि अब वन प्लस 8T होगा उसको पुश करेगी। और यही चीज मार्केट US मार्केट में थी जहां पे OnePlus 7T को पुश किया गया था, US मार्केट में OnePlus 7T ज्यादा पुश किया गया था, जबकि OnePlus 7 कभी आया ही नहीं मार्केट में US की। तो ये एक स्ट्रेटेजी लग रही है और अभी भी यही देखने को मिल रहा है अगर आप नोटिस करेंगे कि OnePlus 8 Pro इज लाइक बहुत अच्छा फोन, फ्लैगशिप लेवल फोन आपको सिर्फ 55,000 में मिल रहा है, और मेन मार्केटिंग सारी जो है OnePlus 8 Pro की हो रही है, 8 की भी हो रही है बट 8 में आपको अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक मैक्रो कैमरा मिल रहा है, वाइड एंगल मिल रहा है, नॉर्मल कैमरा मिल रहा है, और कुछ वही अगेन थोड़ा दबा हुआ फ्लैगशिप है वो, आपको वायरलेस चार्जिंग
फंडिंग तक नहीं मिली है, कोई आईपी प्रोटेक्शन नहीं मिली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वेट करेंगे थोड़ा सा तो शायद हो सकता है जब 8T सीरीज आए वहां पे 8T को ज्यादा भाव मिले, मतलब मे बी उसको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी या मे बी उसको क्या पता आईपी रेटिंग मिल जाए, कैमरा सेट अच्छा हो सकता है, जबकि जो 8T प्रो होगा वो थोड़ा माइनर अपग्रेड होगा, अगेन अगर चिपसेट इंप्रूव कर सकते हैं या कैमरा में इंप्रूवमेंट माइनर से कर सकते हैं तो अगर जो ये OnePlus 8 के प्रोस्पेक्टिव बायर थे जो अभी सोच रहे हैं मैं OnePlus 8 लूंगा, अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो अगर आप वेट कर सकते हैं 6 महीने के लिए और आपको OnePlus डिवाइस ही लेना है, मतलब आपने माइंड बना लिया कि OnePlus लेना है और आपके पास अभी टाइम है, 6 महीने आप वेट कर सकते हैं मे बी दिसंबर तक क्योंकि चांस रहता है, तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट आप वेट कीजिए, लीक्स आते रहते हैं थोड़े बहुत ऐसे थोड़ा मेंशन करते रहते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि OnePlus 8T आ रहा है या नहीं, क्या आ रहा है उसमें, मतलब कैमरास में इंप्रूवमेंट है क्या इंप्रूवमेंट है, ताकि आप लोगों को एक बेस्ट ऑप्शन मिले टी सीरीज में। अगर आप प्रो के कस्टमर हैं, प्रो के बायर हैं, मतलब प्रो लेने वाले जैसे कि मैं लेने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो टाइम होता है ये प्रो का है और 80 प्रो इतना मेजर अपग्रेड नहीं होगा, बट 80 मुझे लगता है 8 से तो बेटर होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, और अगर आपको भी लग रहा है कि यही केस है क्योंकि मैंने ये पैटर्न नोटिस किया तो मैं बता रहा हूँ, अगेन आप नहीं रुकना चाहते आप लेना चाहते हैं लीजिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ कंसिडर कीजिए क्योंकि मुझे भी कोई ऐसे मतलब कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, मेरे को कहीं से प्रूफ्स नहीं मिले, मुझे किसी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं बताया या लीक नहीं हुई है ये बात, मैं किसी आर्मी का फॉलोअर नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि मैंने ऐसा नोटिस किया है, और अगर आपने भी नोटिस किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं भी देखूँ मेरे साथ कितने लोग हैं जो ये चीज़ जो है मानते हैं, जो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने भी नोटिस की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्योंकि वीडियो यहीं खत्म हो रही है, और अगर आप भी उनको थोड़ा दिखाना चाहते हो कि 8 सीरीज है वो क्यों ना लें 8 खाली सिंपल, तो ये एक वीडियो आप उनको दिखा सकते हो, आपके लिए मे बी अच्छा रहे उन लोगों के लिए भी, तो अगेन शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आपका भी यही ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं जनरल तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर लीजिए, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, मेरे ज़्यादा कमेंट्स आते नहीं, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, तो कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और ज़्यादा कंटेंट लेके आने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।